आज रिपोर्टिंग का काम लेकर बैठी हूँ फ्रेंड्स, तो साथ में मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, मेडिसिंस मेरी चल रही हैं। तो हालांकि हल्का काम मैं कर रही हूँ लेकिन वो लेफ़्ट हैंड से। तो देखिए, ये मैंने कोलियस, मेरा ये लास्ट ईयर का है जिसे मैंने कटिंग से रेडी किया था। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टेम्स काफ़ी बड़ी बड़ी ये हो गई थी, काफ़ी हाइटेड हो गई थी। तो मैंने देखी इसको, काफ़ी मैंने इसका हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी थी और ये देख सकते हैं आप, इसकी ये नीचे से इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ फिर से निकल आई है। तो फ्रेंड्स, और इसके साथ मैंने काफ़ी सारी ये कटिंग्स भी मैंने अभी इसी से निकाल कर मैंने और फिर मिक्स एंड मैच करके फिर से लगाई हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर एक वर्ष पुराने अगर कोलियस के प्लांट्स अगर हैं आपके पास, तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग अगर कर देंगे तो इस तरह से आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। हालांकि फ्रेंड्स, आपको कटिंग लगाकर पौधे बनाना, आपको ज़्यादा उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास ये काफ़ी बड़े ये पौधे थे तो मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग करके मैंने एक ट्राई किया था कि ये होता है कि नहीं, तो काफ़ी अच्छे से ये हो गया है। और फ्रेंड्स, मेन बात है कि कोलियस के जो लीव्स होता है उसका कलर, उसका वेरिएशन अच्छे से आना चाहिए। हालांकि पुराने पौधों में थोड़ा सा वो कम हो जाता है, तो मुझे लगा अगर नहीं होगा तो मैं इसकी कटिंग्स फिर से लगा लूँगी, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसे एज इट इज़ रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी कर सकते हैं, एक वर्ष तक का प्लांट हो तो आप उसे कर सकते हैं, हालाँकि उससे ज़्यादा हो तो फिर आप कटिंग्स लगाना आपके लिए ज़्यादा उचित है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, प्यारी सी गार्डनर, नन्ही गार्डनर हमारी, तो ये भी हमारे साथ हमारी हेल्प करती रहती है। ये देखिए, लगी है कि मुझे भी करना है काम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे हाथ में दर्द है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि हल्का सा कटिंग वटिंग का काम तो मैं फिर भी कर ले रही हूँ, लेकिन पानी में दे देती हूँ, लेकिन हैवी मुझे नहीं उठाना है, मुझे कटर भी नहीं चलाना है। तो मेरे हस्बैंड मेरी इस काम में हेल्प कर रहे हैं और हर संडे को ही मुझे फिर उनका मुझे साथ मिल पाता है ये गार्डनिंग का काम करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे रिपोर्टिंग के लिए थे जो कि रूट बाउंड भी हो गए थे। तो उनमें से फ्रेंड्स, ये एक हिबिस्कस जिसे मैंने कटिंग के द्वारा मैंने रेडी किया है, तो इसको देखिए, हस्बैंड मेरे मिट्टी भरकर मुझे प्लांटर्स में दे रहे हैं और मैं फिर उसको हल्के से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने वो हिबिस्कस मैंने लगा दिया। एक ये फ्रेंड्स, और ये हिबिस्कस है, ये मिनिएचर हिबिस्कस है फ्रेंड्स, देखिए इसकी रूट्स इतनी बड़ी बड़ी। तो फ्रेंड्स, ये भी मुझे रिपोर्ट करना है, तो इसको भी मैं अच्छी सॉइल देने वाली हूँ। ये लास्ट ईयर का मेरा परचेज़ किया हुआ प्लांट है, तो हल्की सी मैं इसकी प्रून मैं कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं प्रून नहीं करूँगी। तो ये देखिए, हल्की हल्की प्रूनिंग मैंने इसकी कर दी है, तो इस तरह से मैं इसे दूसरे पॉट में लगा दूँगी। तो ये देखिए, तो ये सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो बनाते हुए ये फिंगर आ गई है बिटिया की, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरह से ये मेरे हस्बैंड अभी इसमें मिट्टी भरेंगे, फिर मैं इसे लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, वेल ड्रेन मिट्टी हमने इसके लिए रेडी की है जिसमें कि काफ़ी अच्छी मात्रा में रेत है और गाय की गोबर हमने डाली है और थोड़ा फंगीसाइड पाउडर और नीम खली भी हमने इसमें ऐड की है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये 14 इंची का प्लांटर होगा फ्रेंड्स, तो इसमें मैं ये मिनिएचर हिबिस्कस को जगह दे रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने आज 6 से 7 प्लांट्स मेरे रिपोर्टिंग किए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से सोच रही थी तो आज जाकर ये पूरा हो पाया है। तो रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स पौधों की ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे हस्बैंड ने आज 4 तरह के, तो हिबिस्कस, एक शेफलेरा का प्लांट और एक सॉन्ग ऑफ इंडिया,
इन सभी को आज रिपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, उन सभी में पानी देने के बाद मैं उसे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, अभी एक दो प्लांट्स और हैं जिन्हें रिपोर्टिंग करना है। अभी दिन के 1 बज गया है और बहुत धूप तेज़ हो गई है, तो अभी काम करना बड़ा मुश्किल है। मैं आफ्टर लंच फिर शूट करके आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का। हैप्पी गार्डनिंग।